ग्राम बने में मोटर पंप नहीं चल पा रहा है क्योंकि मोटर को चलने के लिए बिजली नहीं मिल रही है। संबंध में आवेदन पत्र देते हुए बताया गया कि ग्राम बने में लगभग जो विद्युत विभाग द्वारा बोला गया उतना बिल जमा कर दिया है, उसके बाद भी हमें विद्युत प्रदान नहीं की जा रही है, जिससे पूरे ग्रामवासी परेशान है। खेती में सिंचाई का सही समय है वो निकला जा रहा है, जिसके कारण अभी तक सही तरीके से ग्रामवासियों ने बुवाई नहीं की है। ग्रामवासी चाहते हैं कि हमें जो बिजली विभाग से आदेश है उतनी बिजली हमें प्रदान की जाए, जिससे कि हमारी मोटर पंप चालू हो जाए और बिजली सही समय पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने से समस्त ग्रामवासियों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दादा क्या समस्या? बिजली की समस्या है। कहाँ से आए हो? ग्राम बने। कहाँ पे आए हो? गुना। अच्छा, क्या में? क्या समस्या लेके आए हो? बिजली के बारे में। अच्छा, कहाँ से बिजली की समस्या कैसी है? कि हमारी पंप वाली लाइन आ नहीं रही है बिल्कुल भी। अच्छा, तो बिजली कहाँ से आती है आपके गांव में? भोरा फीडर से। अच्छा, कितने गांवों को लाइट जाती है वहाँ से? 8-10 गांवों को। सब गांवों में आ रही है? सब गांवों की आ रही है, केवल तुम्हारे गांव में नहीं आ रही? गांव की नहीं आ रही। क्या समस्या है, क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं दे रहे? ओवरलोड बता रहे हैं तुम्हारे गांव की, ओवरलोड है। अच्छा, और सभी गांवों में आ रही है? और सभी गांव में। तो तुमने उनसे कहा तो उन्हें और क्या बताया? उन्होंने बताया कि तुम्हारी ओवरलोड है। अच्छा, कितने दिनों से नहीं आ रही? 15-20 रोज से। अच्छा, तो थेवा मेवा भी नहीं हो पा रहे होंगे? और आस पीस के गाँव में सब काम हो रहा है? अच्छा, तो कितने बीघा जमीन होगी तुम्हारे क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में होगी 3,000 3,500। अच्छा, तो थेवा अभी नहीं हुए हैं, वहाँ पे लाइट नहीं जा पा रही है ना? पा रही। तो आप प्रशासन से कलेक्टर महोदय से क्या चाहते हो? बिजली के बारे में चाह रहे, बिजली मिल जाए हमको। अच्छा, जो नियम अनुसार है वो। हाँ सर, तो बिल बिल हमने जमा किए। अच्छा, बिल भरपाई करने के बावजूद भी आपको टाइम पे बिजली नहीं मिल पा रही है? क्या नाम है? उधम सिंह धाकर। कहाँ से आए हो? ग्राम बनी।